करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह चार अंकों वाली सबसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, वह चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित होता है। मतलब यदि हम 12, 15, 18, 27 का एलसीएम लेते हैं तो वह चार अंकों वाली संख्या में भाग देंगे, तो यदि पूरा पूरा कट जाएगा तो वही हमारा क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 6 का 12 15 हो गया, 2 18 हो गया, 27 हो गया, और फिर 3 से करते हैं इसको, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27 हो गया, फिर 3 से लगेगा, 5 3 3 3 9। अब किससे नहीं लगेगा, तो इसको गुना करेंगे, 3 2 6 3 18 2 36 है, 36 गुना 15 करते हैं, आपका आ जाएगा ये 540 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। तो 540 आ गया तो एलसीएम आ गया, तो हमको क्या करना है कि चार अंकों की बड़ी संख्या, तो चार अंकों की बड़ी संख्या कौन होगा, 9999 हो जाएगा, इसमें हम भगा देते हैं 540 से। कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, 540 हो गया। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, एम बचेगा शेष कितना, 9, 9 से 4 गया 5 हो गया, 9 से 5 गया कितना हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, इसको 8 बार में फिर भागा लगेगा, 0 हो गया, 8 4 32 हो गया, 8 5 40, 3 43 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, और ये हो गया 3 2 5 हो गया, 279 हो गया। अब देखिए 540 से जब इसमें हम भागा दे रहे हैं, यदि हम भगा दे रहे हैं तो क्या ये पूरा पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि शेष कितना बच रहा है, 279 शेष बच रहा है। इसको यदि हम हटा देते हैं इस संख्या से तो वही मेरा संख्या हो जाएगा, तो मेरा संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 में से 279 घटा देंगे हम, ये आ जाएगा 97,120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकाल के जो जिस अंक में भागा देने के लिए कहा जाएगा, 4 अंक 5 अंक 6 अंक में भागा देंगे, जो शेष आएगा उसको हम हटा देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। यदि पूछ इसी में यदि एक्स्ट्रा पूछ दे कि प्रत्येक दशा में समान से एक शेष बचता है तो एक इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो सवाल डिपेंड करता है कि पूछ कैसे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। चलिए देखिए, चार आभास संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का कितना 1001 है, तो प्रथम आभास संख्या कौन सा होगा। चूंकि ये आभास संख्या आपका रेगुलर होता नहीं है, ठीक है, आपका कोई भी ये लगातार आभास संख्या नहीं होता है, तो हम मान के चलिए वो चार आभास संख्या ए है, बी है, सी है। दो तरीका मैं बताता हूँ, पहला तरीका देख लीजिए इधर, ए बी सी डी आपका चार आभास संख्या है। अब ये बोला कि पहला 3 का गुणनफल ए गुना बी गुना सी बराबर कितना दिया हुआ, 385, और अंतिम 3, ये अंतिम 3 ले लेते हैं, बी गुना सी गुना डी बराबर कितना हो जाएगा आपको, 1001 हो जाएगा। अब क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को भगा दे देते हैं। यदि हम भगा देते हैं दोनों को, मतलब एक दूसरे से हम भगा दे देते हैं, ठीक है, भगा दे दिए, तो ये बी, ये बी, ये सी कट गया आपका। अब इसको काटते हैं, ठीक है, 11 बार में कटेगा, 11 33, 11 55, 11 91 हो गया, ये कटेगा, 5 35 हो गया, 63 91 हो गया, मतलब आपका ए बट्टे बी कितना आ गया आपका, 5 बट्टे 13 आ गया। मतलब देखिए ए बी सी डी, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका, 5 आ गया, और डी का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो जब पहला आभास संख्या 5 है, इसके बाद कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद कौन हो जाएगा आपको, 11 हो जाएगा। यही आपका संख्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सा हो जाएगा आपको, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए, या तो इसका आभास गुणनखंड कर लीजिए, या तो इसका आभास गुणनखंड कर लेते हैं, किस एक का आभास गुणनखंड, 5 7 35 हो गया, 35 3 बचा 5 7 35, फिर किससे कटेगा, 7 से और 11 से कट गया। अब देखिए 3 लगातार संख्या हो गया, 5 गुना 7 गुना, जिसका गुणनफल कितना आपका, 385 है, तो ये पहला आभास संख्या हो गया, दूसरा आभास संख्या हो गया, तीसरा हो गया। पूछा छोटी संख्या कौन सी, यदि बड़ी पूछेगा तो इसका कर देंगे, छोटा पूछ रहे इसे कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि एक किसान अपनी एन गायों के झुंड को अपने चार बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गाय मिलती है, तो इस तो तदनुसार का मान कितना होगा, मतलब एन का मान कितना होगा, इस एन का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास कितना गया है, एन गाय है, इसमें से कुछ वो दिया है, पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है तो एन का आधा भाग मिला, फिर दूसरे को कितना मिलता है आपको, दूसरे को 1/4, दूसरे को 1/4 मिलेगा, और तीसरे को 1/5, एन 1/5 हो गया, तथा चौथे को 7 गाय मिलती है,
ये टोटल हो गया, ये तीन का था, यदि इसको इसमें घटा देंगे यही शायद किसको मिलेगा आपको, चौथे को मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, एन हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 20 हो जाएगा, दो दहम 20 हो गया, 10 एन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 5 एन हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 एन हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 7 हो गया। फिर एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 20 एन माइनस 19 एन हो जाएगा, 10 5 15 4 19 एन बराबर कितना हो गया 7 हो गया, एन बराबर कितना हो जाएगा इस दोनों को गुना कर दीजिए 20 गुना 7 बराबर कितना हो गया 140, यही आंसर हो गया 140 ऑप्शन डी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वह न्यूनतम संख्या क्या है जो कि 48 64 90 120 से विभाजित करने पर 38 54 80 और 110 से बचे। यदि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो शेष अलग अलग बसता हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों को संख्या और शेष का हम अंतर लेंगे। ठीक है क्या लेंगे संख्या और शेष का अंतर लेते हैं, ये 38 हो गया, ये 54 हो गया, ये कितना हो गया 80 हो गया, ये कितना हो गया 110 हो गया, ये दोनों का अंतर 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। अब क्या करेंगे 48 64 और 90 120 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 64 हो गया 90 हो गया 120 हो गया, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 2 हो गया 24 32 45 60 हो गया, फिर 2 से ही देते हैं 12 हो गया 16 हो गया 45 हो गया 30 हो गया, फिर 2 से लगेगा 2 6 का 12 2 8 16 45 हो गया 15 हो गया, फिर 2 से लगेगा 2 5 6 2 4 8 45 हो गया 15 हो गया, फिर 3 से देते हैं 3 का 3 4 हो गया 15 6 45 3 5 15 हो गया, 5 से दे देते हैं 4 हो गया 5 3 15 1 हो गया, तो इसको गुना कर देते हैं आपको 2 2 4 2 8 2 16 5 80 8 240 240 गुना 12 कर देंगे कितना जाएगा 0 12 4 48 हो गया, बाद में 24 4 28 2880 हो गया। अब यदि ये आ रहा आपका आ रहा है ना 10 10 10 आ रहा है समान से, इसको इसमें हम क्या करेंगे घटा देंगे कितना जाएगा 2870 आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा 2870 मेरा आंसर आ जाएगा। यदि शेष समान बचे तो क्या करेंगे जोड़ देना है, यदि शेष अलग अलग बचे आएगा तो क्या करेंगे दोनों का अंतर लेंगे, जो समान शेष आएगा उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे। ठीक है करेंगे घटा देंगे वही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा है सात संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो 9 औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या कौन सी है। देखिए सात संख्याओं का औसत औसत कितना है 8 है, तो सात संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपको 8 से 56 हो जाएगा। अब एक संख्या और आ गया तो कितना हो गया 8 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा आपको 9 हो गया, तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 9 8 72 हो गया, तो वो संख्या कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए क्या किए कि सात संख्या आपके पास है जिसका औसत कितना है 8 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा औसत को यदि हम संख्या से गुणा करेंगे कुल योग होता है, क्योंकि एवरेज बराबर होता है दी गई संख्या का राशि का योगफल होता है। ठीक है दी गई राशि का योग मतलब बटे राशि की संख्या, बटे राशि की संख्या होता है, मतलब ए बराबर होता है एस बटे एन। ठीक है हमको क्या करना है सम निकालना है, तो एवरेज दिया हुआ था राशि की संख्या दिया हुआ था दोनों को गुना करेंगे टोटल आ जाएगा। ठीक है यहाँ देखिए सात संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 8 से 56 हो गया, और 8 संख्याओं का तो अब क्या क्या कि एक संख्या बढ़ गया। ठीक है एक संख्या बढ़ गया तो 7 7 कितना हो गया 8 हो गया, 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 9 है, अब इसका योग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो यहाँ 8 संख्या है यहाँ 7 संख्या है यहाँ 8 संख्या, एक संख्या बढ़ा है तो यही कौन बढ़ा आपको 16। चलिए अगला क्वेश्चन किन्हीं दो धन पूर्णांक संख्याओं का 900 तथा 900 35 तथा 385 है, यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, तो एक एलसीएम इंटू एससीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है यह संख्याओं का गुणनफल होता है, तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 385 दिया हुआ है, और ये कितना दिया 35 एससीएम दिया, एक संख्या 77 दिया हुआ, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है कितना होगा। ठीक है यहाँ काटते हैं 1177 7 से काटते हैं 11 हो गया 1177 और यह हो गया 7 5 35 7 5 35 हो गया 5 हो गया यहाँ पे 5 7 35 हो गया 1177 हो गया, इसको काटिए फिर इसको कटेगा ये 1133 1155 हो गया, दोनों को गुणा कर दीजिए कितना होगा 5 5 25 5 6 15 17 175 175 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको निम्नलिखित में कौन संख्याओं 99 से ठीक ठीक विभाजित होगा,
जब ऐसा संख्या होगा तो आप हर हर में भागा देने की संभावना कोशिश नहीं करें, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे 99 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका 11 और 9 आ सकता है, ठीक है। 9 को फिर करेंगे कितना आएगा, 3 और 3 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि 9 से कटने का आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। 9 से कटने का विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग 9 से कटेगा पूरी संख्या किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं 4 2 6 7 6 13 13 6 19 19 7 उन्नीस सात 26 हो गया, ये तो कटेगा नहीं। 3 1 4 7 4 11 11 8 19 21 ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद है 2 2 4 4 8 4 12 7 19 8 7 15 2 17 2 19 ये भी नहीं कटेगा। 8 5 13 13 6 19 19 3 22 5 27 27 किससे कटता है, 9 से कटता है, मतलब 9 से कटेगा तो ये संख्या आपका किससे कट रहा है, 99 से भी कट जाएगा। और 11 से कटने अगला क्वेश्चन है कि 4 बटे 5 6 बटे 7 2 बटे 9 9 बटे 11 3 बटे 8 उनके मूल्यों को अवरोही क्रम में लिखना है, तो क्रमबद्ध करने पर इन संख्याओं का कौन सा भिन्न चौथा होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये 4 बटे 5 हो गया, 6 बटे 7 हो गया, 2 बटे 9 हो गया, 9 बटे 11 हो गया, 3 बटे 8 हो गया। बनाना कैसे है सोचिए, देखिए ये दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भागा देंगे 4 में, भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। 6 और 7 का अंतर लेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। भाग देंगे भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। दोनों का अंतर लेंगे 7, ठीक है 7 आएगा। 7 से भागा देंगे इसमें लगभग आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, लगभग 0.2 आएगा, ठीक है लगभग 0.2 आ जाएगा आपका। उसके बाद दोनों का अंतर ले लीजिए कितना आएगा आपका, 9 2 आएगा, ये लगभग 4.5 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना आएगा, 5, 5 से भागा देंगे 0.6 आएगा। तो आ देखिए ये अवरोही क्रम मतलब होगी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम हो गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, हो गया घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखना है, तो सबसे बड़ा संख्या देखिए कौन है, आप ये है आपका सबसे बड़ा, उसके बाद ये तो कट गया आपका। फिर अब इसके बाद कौन लेंगे हम, यहाँ देखिए कौन है आपका, 4.1 ये है, उसके बाद 9 बटे 11 हो गया, उसके बाद कौन होगा, ये हो जाएगा 4 बटे 5, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 बटे 8 हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, 2 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया, आपको ये क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। इनमें से चौथा भिन्न कौन सा होगा, 1 2 3 4 3 बटे 8 मेरा आंसर हो गया, आंसर कितना होगा, सी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।